अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दानियल ताहिर है और आप देख रहे हैं व्यू ऑफ पाकिस्तान। आज हम मौजूद हैं शब भर मस्जिद पे शालमी। ये इसका गेट है शब भर मस्जिद का, इस पे लांगपाल का शेर लिखा है, मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है बरसों में नमाजी बन ना सका। इसकी बड़ी अच्छी हिस्ट्री है इस मस्जिद की। इसकी हिस्ट्री कुछ यूँ है कि 1917 में ये एक खाली प्लॉट हुआ करता था, तो यहाँ पे मुसलमानों ने एक दफ़ा नमाज पढ़ी, जिसके बाद हिंदू और मुस्लिम में यहाँ पे झगड़ा हुआ और दोनों ने इसको क्लेम किया अपनी रिलीजियस साइट के तौर पर। यानी कि हिंदुओं ने कहा हम मंदिर बनाएंगे और मुसलमानों ने कहा कि हम मस्जिद बनाएंगे। तो इसका फ़ैसला करने के लिए एक ब्रिटिश जज ने आना था, तो एक मुस्लिम लॉयर ने कम्युनिटी को ये मशवरा दिया कि इस पे जल्दी से जल्दी एक मस्जिद खड़ी कर दी जाए। और गामा पहलवान जो बहुत मशहूर पहलवान थे उस ज़माने के, उनके साथ काफ़ी लोगों ने मिल के काम किया और कहा जाता है कि इशा की नमाज के बाद उन्होंने काम शुरू किया और फजर से पहले यहाँ पर मस्जिद तामीर हो चुकी थी। मस्जिद को खड़ा देखकर ब्रिटिश जज ने मुसलमानों के हक़ में फ़ैसला किया, क्योंकि ब्रिटिश कानून के मुताबिक किसी भी रिलीजियस साइट को डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता। इसलिए इस मस्जिद का नाम शब भर मस्जिद है, क्योंकि मौजज़ाती तौर पर यह मस्जिद एक ही रात में मुकम्मल हुई थी। इस मस्जिद का कुल रकबा 3 मरले हैं और इसके अंदर 4 मीनार और 1 गुंबद है। और इसी कंस्ट्रक्शन में मार्बल कसरत से इस्तेमाल हुआ है और इसकी छतों पर फ्रेस्को नुमा मुग़ल जो है वो डिज़ाइन आपको मिलते हैं। और अल्लामा इकबाल का शेर जो कि ख़ास तौर पे इस मस्जिद के बारे में हमने मुलाहिज़ा किया था, अब वो आज भी दुरुस्त ही है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि हम तब्दील हो जाएं और नमाज कायम करें। तो इसी के साथ मुझे भी इजाज़त दी, इंशाल्लाह अगली बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।